everyone. This is Mansi Dengane, your English teacher. Today I am going to explain you poem The Ice Cream Man, written by Rachel Field. I will explain the poem in Hindi and English both so that you don't face any problem. When sun was in the city and bricks ablaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब हम गर्मियों के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में पहली बात आती है कुछ ठंडा खाना, कुछ ठंडा पीना, दैट इज आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स. और ये सब हम तक घर तक, हमारे घर तक कौन पहुंचाता है? एक आइसक्रीम मैन. व्हेन समर्स इन द सिटी, जब गर्मी में शहर में बहुत गर्मी हो जाती है, सारी दीवारें ईंटें तपती है, उनमें से गर्मी निकलती है, तब एक आइसक्रीम मैन गली गली आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है. ट्रंडिंग डाउन द स्ट्रीट, दैट मीन्स वो अपने कार्ट को लेकर हर जगह गली गली घूमता है. बिनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट. वो अपनी लिटिल सी कार्ट, आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट लेकर जहां पर उसके अम्ब्रेला लगी हुई है, गोल सी अम्ब्रेला लगी हुई है, ये देख के हमारी आंखें बहुत खुश हो जाती है कि वो किस तरह आइसक्रीम कोन्स में ऊंचे ऊंचे तक पूरे आइसक्रीम बढ़ता है. माउंट्स, माउंट्स मीन्स ऊंचे ऊंचे तक आइसक्रीम बढ़ता है वो, और ब्राउन एंड व्हाइट कलर की. वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. आइसक्रीम मैन की कार्ट में वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जैसी फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स होती है. उसके पास ठंडी कोला की बॉटल्स होती है, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक कलर की. फ्रॉस्टी फेज मीन्स द बॉटल्स दैट प्रोड्यूस हिसिंग साउंड. जब हम हमारे घर पे भी सोडा की बॉटल्स लाते हैं उस और ओपन करते हैं, उसमें से किस तरह का फिज साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्रॉस्टी फिज. इस कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज. यहाँ पर पोएट ने आइसक्रीम मैन के कार्ट को फ्लावर बैग से कंपेयर किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे रोजेस एंड स्वीट पीस खिले हुए हैं. वहां बहुत सारी हनी बीज मंडराती रहती है क्योंकि उन्हें उनमें से नेक्टर मिलता है. उसी तरह जब बहुत गर्मी होती है और आइसक्रीम मैन आता है, तब बच्चे भी उसका घेर कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी आइसक्रीम चाहिए होती है. हनी बी की तरह बच्चे भी आइसक्रीम मैन को घेरे हुए रहते हैं, दैट मीन्स क्लस्टर राउंड. हमें और कहते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए. गर्मियों में आइसक्रीम मैन की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि आइसक्रीम हमें गर्मी से रिलीफ देती है.